घर में सुख शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं जी। पिछले कुछ दिनों से जो है बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरी है हमारी फैमिली, और आपने देखा होगा जी, पहले मुझे टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, उसके बाद फिर रितु की ऐसी हालत हो गई कि रितु की जान तक पर आ गई। भगवान, हो सकता है कि परीक्षा ले रहे हो। हमारे पापा जो है उनका भी कमर दर्द बहुत ही तेज हो गया है और आज वह बेड रेस्ट पर है। आज कोर्ट भी नहीं गए हुए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं दिन के 3 और जिया जो है बना रही है चूड़ा फ्राई, और लगभग लगता है बन भी चुका है। तो जल्दी से जिया लगाया जाए इसको, और नीचे में आए हुए गेस्ट तो उनको जाकर के हम दे आते हैं। ये देख सकते हैं जी, एकदम क्रंची पूरा कुरकुरा एकदम बना हुआ है जबरदस्त सा, और साथ में जो है मिल गया है मिक्सर और डालमोट भी मिल गया है इसमें। डालमोट और मिक्सर एक ही होता है। नहीं, हमको लगा हल्दीराम का भुजिया है ऊपर से ही है। नहीं। A few moments later. मुझे तो नाश्ता पहुंचा दिए थी, अब बारी है घुटके खाने की। आपको भी दे तो पहले ही बैठ चुकी है। अभी इतना आपका वेट किया, आप नहीं आए तो सोचे खा ले। कोई बात नहीं, चलो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिया छिल रही है जी अनार, तो हम लोग के नाश्ते की तैयारी चल रही है। अभी तो कुछ नाश्ता किया है, लेकिन फल के बिना जो है हमारा नाश्ता अधूरा है। साथ में बना रहे नाशपाती, तो उसको भी काटा जाएगा। फल खाना जरूरी है इसलिए क्योंकि आपका हेल्थ बहुत डाउन हो चुका है। एब्सोल्युटली। बाहर हो रही है जी जबरदस्त बारिश, और अच्छी बात है कि आज बारिश हो रही है। कई दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि फाइनली बारिश हो जाए, और बारिश से जो थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी से, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ही प्रचंड है यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त गर्मी है। फिलहाल किसी आप देख रहे होंगे फिर से एक मूवी लगा लिया है हमने, जितना देर हो सकेगा देख पाया हुआ उतना देर तो देखेंगे। और अभी घर ये बाबू आएगा, सब देखा हुआ निकल जाएगा। वही कह रहे हैं कि जितना देर होगा देखा हुआ उतनी देर देखेंगे, नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ जिया को देख सकते हैं, हाथ में मोबाइल और साथ में बोतल लेकर के सो रही है। आप ही दिया था पानी पीने के लिए। पी की नहीं, अभी तक नहीं पिए। बस वैसे ही इसको रखना है सुबह बढ़ाने के लिए, पानी पीते हैं। The next day. सबरे सबरे उठ गए हैं जी, और बाबू भी उठ गया है, और अब लगता है इसको बेड से खिसकने का मन कर रहा है। हाँ, अब घूमने का मन कर रहा है बाहर। चलो घुमा देते हैं तुम्हें, चले। अच्छा, बोल रहा हूँ चलते हैं। बाबू अब आ चुका है यहाँ पर। ओए ओए, क्या हो गया इसको? इसलिए पेंशन जो लेते हैं फिर इसका काम करेंगे कि नहीं। हाँ, पर जी सब्जी कट रहा है और नाश्ता का तैयारी करो दिया, जितना खा ले काट दो, इसके साथ बैठते हैं। आप बैठिए, तभी से जाने ही नहीं दे रहा है। नहीं, बैठे हैं। अब नीचे का जो बिस्तर है जी, अब जो है इसको समेट करके रख देते हैं। आजकल हम जो यहीं पर सो रहे हैं, और जब से यहाँ पर सो रहे हैं तब से कमर दर्द में बहुत राहत मिली है। बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, और दो फायदा है जी, एक तो बैक पेन से राहत है ही, साथ में जो गर्मी लगती है उस रूम में, इस रूम में उतनी गर्मी नहीं है, सही है मौसम, तो मजे में सोते हैं। जल्दी से इसको सबमिट करके रख देते हैं। चलिए जी, वहाँ रूम तो ठीक हो गया है, अब आके नाश्ता की, तो नाश्ता भी लग चुका है। यहाँ पर फल जो है काट करके रखा गया है, खाते हैं जल्दी से। इसको हमने सुलाया था, लेकिन अब जो है यह फिर जग गया है, और पापा के साथ अभी खेल रहा है ना बाबू, खेल रहा है ना। अब आपकी होगी मालिश, ठीक है? मालिश होने के बाद आपको नहलाया जाएगा, है ठीक है? खेलो जितनी देर खेलना है। वैसे नहाता भी मजे से है, नहाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं इसको। हाँ, बस खाली पानी जिस दिन थोड़ा ठंडा रह गया उस दिन, भाई साहब इतना जोर से चिल्लाता है ये। अभी अपना पैर जो है मेरे पैर के ऊपर डाला हुआ है, और इसी तरह से खेल रहा है, आराम से फुटबॉल खेल रहा है, है ना? फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है? अब इसका हो गया खेला हुआ, और अब इसकी बारी है मालिश की। तो मालिश करते समय भी अपना खेल रहा है थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो अब जाएगा नहाने, पानी देख लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मल रहे। हेलो हेलो, बोलो बोलो बाबू। हेलो, अभी ये खेलने के मूड में? अभी मुआयना करेगा पूरे घर का, या जब खेलने के मूड में रहता ना हाँ, तो हमको मन भी नहीं करता है मालिश करने का, मन करता खेलने दे। टाइम अभी बहुत ज्यादा हो गया है, तो मालिश भी जरूरी है। सही बात है, कितना खिलाएंगे अब इसको? टाइम पे अगर सोएगा नहीं है फिर दिन भर ही रोएगा, इसको टाइम पे सब चीज चाहिए। बिल्कुल, और खेलने लगता है तो मन तो करता है खेलते रहे। बाबू का हो गया नहाया हुआ, कई बार सोचते हैं कि अपना कुछ काम करे लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। ध्यान आता है कि नहीं, अब बाबू को जो है नहाना है, और नहाने के बाद कुछ काम करना है, क्योंकि होता क्या है जी, अगर हम पहले नहा लेंगे फिर तो दोबारा इसको नहाना है ही, और कपड़ा जो है पूरा गीला हो जाता है, तो फिर से एक बार जो है दूसरे ड्रेस को चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले इसको नहा देते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। बेटू,
हो गया जी नहाया हुआ, और हमारा जो बाबू है उसका भी नहाया हुआ कब का हो चुका है और आराम से सो रहा है। और अब बारी है जी खाना खाने की, तो जल्दी से जाते हैं खाना खाते हैं फिर लगते हैं अपने काम धाम पर। तो यहाँ पर जी हमारा खाना लग रहा है, हो गया उतना नहीं, बहुत लोग हैं इसका आधा भी खाते हैं। खा देंगे देखा इसे मन खा गए उसरा क्या करता हमको उसे दूध लेना है, उसरा अच्छा काम करता उसको उसे। यहाँ पर लग गया जी हमारा खाना। आज खाने में जो अलग अलग वैरायटी का है, आलू परवल का सब्जी है और यहाँ पर यह कद्दू की सब्जी और यहाँ है दाल। जब भी मैं दाल को दिखाता हूँ यहाँ कमेंट जरूर आता है पानी है कि दाल है। जी हम लोगों को ऐसा ही दाल अच्छा लगता है, जो भी थोड़ा सा पतला दाल रहता है ज्यादा अच्छा लगता है। गाढ़ा दाल ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ज्यादा अच्छा मुझे यही लगता है। और जब खाना हो जाता है उसके बाद एक कटोरी दाल भी पी लेते हैं मजे में। अभी चलते हैं जी मार्केट, मार्केट से कुछ जा करके उठा करके ले आते हैं। और बहुत दिनों से जो है घर में कुछ लाया भी नहीं है स्पेशल कुछ खाने के लिए, तो आज जो है कुछ उठा करके ले भी आते हैं। बेटू चलो दादी बुला रही है, मालिश टाइम हो गया है, ठीक है चलो मालिश करवाने। ओके वैसे अभी जगा हुआ था, जगा हुआ था और अभी सो गया, ठीक मालिश के समय में। चलिए जी बाबू का तो हो रहा है वहाँ पर मालिश, और अब हम चलते हैं मार्केट। ओ भाई साहब इधर बच्चे इधर गाय। सेब कैसे है? 60 किलो, 150 दे दीजिए। आज तो समोसा 2 कचौड़ी पैक कर दीजिए। कितना हुआ? 70 चलिए जी हो गई खरीदारी, अब सीधा चलते हैं घर। मम्मी जो है संध्या पूजा करके अब आ चुकी है जी, और पूजा से हमें ध्यान आया कि अब घर में होने वाली है पूजा। हाँ जी घर में सुख शांति के लिए पूजा करवा रहे हैं जी। पिछले कुछ दिनों से जो है बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरी है हमारी फैमिली, और आपने देखा होगा जी पहले मुझे टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, उसके बाद फिर रितु की ऐसी हालत हो गई कि रितु की जान तक पर आ गई। तो फाइनली हम लोग सोच रहे हैं कि घर में पूजा करवाया जाए, और भगवान हो सकता है कि परीक्षा ले रहे हो कैसी स्थिति है जी कहना मुश्किल है। और हमारे पापा जो है उनका भी कमर दर्द बहुत ही तेज हो गया है, और आज वह बेड रेस्ट पर है, आज कोर्ट भी नहीं गए हुए। अभी वर्तमान में हम अपना समय रखते हैं कि रविवार को हम पूजा करा लेंगे, तो उनके हाथ में है कब पूजा लेंगे कब नहीं लेंगे क्या करना है, लेकिन हमको उनके दया दृष्टि पर भगवान की दया पर बहुत भरोसा है और अच्छा कर्म करते रहे। ऋतु का जिंदगी मिलना साक्षात भगवान की कृपा होती है, इसलिए बुरा नहीं। बिल्कुल ऋतु की जो हालत थी जिस तरह का सीरियस कर दिया था हॉस्पिटल वालों ने, वहाँ से ऋतु का वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा था हम लोगों को, इसलिए अब हमको तो मेरे घर में हर पल हर क्षण हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो पूजा में एक विशेष होता है कि हवन होता है, और हवन का मतलब है कि जितना भी दुख विपत्ति भला बुरा जो भी है वो सब उसमें नाश हो जाता है, बस यही बात है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर भक्ति और अपना अच्छा कर्म और सबका आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ। आप लोग अगर भगवान से प्रार्थना किए तो मेरी बहू घर आ गई, इसलिए हम सबका भगवान के साथ साथ हम संपूर्ण समाज का सुख गुजार है, तो सबके लिए आप लोग इसी तरह प्रार्थना करते हैं। हम तो दिन रात करते हैं अपने लिए नहीं आपके लिए।